चलिए, तो हो गई साउथ की बात, लेकिन अब फिर से हम ऊपर जाएंगे, नॉर्थ की बात करेंगे। दिल्ली में वैसे तो आजकल टेम्परेचर अच्छा है, वेदर अच्छा है, लेकिन बहुत जल्दी यहाँ पर फिर से गर्मी लौटने वाली है और भागदौड़ भरी जिंदगी भी है, रोज ऑफिस जाना आना। तो हम आपकी मुश्किल थोड़ी सी आसान कर देते हैं। दिल्ली के आसपास कई ऐसी जगह है जहां आप अपने परिवार के साथ बिना ज्यादा खर्चा किए और वक्त गवाए पहुंच सकते हैं। राजधानी दिल्ली की चिलचिलाती गर्मी से दूर लेकिन ज्यादा लंबी छुट्टी नहीं है तो नैनीताल से बेहतर कोई जगह नहीं। नैनीताल को देखकर लगता है मानो प्रकृति ने इस जगह को अपनी गोद में समेटा हुआ है। यहाँ की खूबसूरती देखकर आपका मन इसे अपने नैनों में कैद करने का करेगा। ये है नैनीताल। यहाँ की नैनी झील में एक खास बात है कि पहाड़ से देखने पर ये झील आंख के आकार की नजर आएगी, लेकिन पास आते ही आम का आकार ले लेती है। वैसे अगर आप पूरे नैनीताल को एक ही झलक में पूरा देख लेना चाहते हैं तो बेस्ट ऑप्शन है यहाँ की केबल कार। दिल्ली से नैनीताल की दूरी है 279 किलोमीटर और 6 घंटे का ये सफर आप बस या ट्रेन से कर सकते हैं। 40 से 50 हजार के बजट में आप 5 दिन तक नैनीताल की खूबसूरत वादियों का मजा ले सकते हैं। इसके अलावा आप भीमताल, नौकुचिया ताल, जियोलकोट और रामगढ़ का मजा उठा सकते हैं, लेकिन बजट थोड़ा कम हो तो एक दो दिन का प्लान 15 से 20 हजार रुपए में बन जाएगा। दिल्ली के आसपास कई डेस्टिनेशंस हैं, जैसे कि कसौली है। कसौली चंडीगढ़ से 1.5 घंटे का रन है। कसौली को छोड़ के आप नैनीताल जा सकते हैं, पास में है, ठीक है। मसूरी जा सकते हैं, मशोबरा जा सकते हैं, फिर आप शिमला जा सकते हैं। दिल्ली से 230 किलोमीटर दूर उत्तराखंड का ऋषिकेश भी दिल्ली की गर्मी से राहत दे सकता है। आप अपनी सुविधा के मुताबिक इस सफर को वाया रोड 5 घंटे में कर सकते हैं। दो रात का खर्चा सिर्फ 6,000 रुपए आएगा। गंगा किनारे बसे इस शहर में आप रिवर राफ्टिंग, ट्रैकिंग और कैंपिंग के मजे ले सकते हैं। वक्त हो तो आप मसूरी का भी रुख यहां से कर सकते हैं। ऋषिकेश से मसूरी की दूरी सिर्फ 1 घंटे की है। मसूरी उत्तर भारत के सबसे पॉपुलर हिल स्टेशन में से एक है और ब्रिटिशर्स के बसाए इस शहर में 60 से 70 हजार के बजट में पूरा हफ्ता बिता सकते हैं। 30 से 40 हजार के बजट में 4 से 5 दिन का कोई वेकेशन प्लान कर रहे हैं तो आप कॉर्बेट नेशनल पार्क का रुख कर सकते हैं। दिल्ली से 250 किलोमीटर की दूरी आप 4 से 5 घंटे में पूरी कर सकते हैं। हालांकि इस टाइगर सफारी के लिए आपको पहले बुकिंग करनी होगी। यहाँ जीप सफारी और एलिफेंट सफारी का मजा भी आप ले सकते हैं, लेकिन कॉर्बेट में बारिश होने से पहले चले जाएं क्योंकि कॉर्बेट बारिश में पर्यटकों के लिए बंद हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।